हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली ये रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी कि मैम प्लीज़ इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर आई डैंड्रफ की। आज हम बात करेंगे आई डैंड्रफ की कि ये किन किन कारणों से हो सकता है और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी या किस किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं, आज इस बारे में मैं बात करूँगी। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इससे आने वाली अमेजिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि आई डैंड्रफ के रीजंस क्या क्या हैं। काफ़ी लोगों को ये आई डैंड्रफ बाई बर्थ होता है और काफ़ी लोगों को बड़े होने के बाद हो जाता है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है। जी हाँ, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। और अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसे कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ, आपको अल्कोहल से दूर रहना है, जंक फूड बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जंक फूड हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स लीजिए, दूध ज़रूर पीजिए और हेल्दी चीज़ें खाइए। आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लीजिए और ये सभी चीज़ें बहुत ही हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए, इसीलिए हमेशा फ्रेश चीज़ें ही खाइए। बासी खाना कभी मत खाइएगा, क्योंकि बासी चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि हम आई डैंड्रफ को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ये आपको आपके घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस DIY के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और यहाँ मैं सबसे पहले ले रही हूँ रॉ मिल्क। ये देखिए, हमें सबसे पहले चाहिए इसके लिए कच्चा दूध, एक क्लीन कॉटन वॉल, और नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर बादाम रोगन तेल। ये देखिए, आपके पास जिस भी ब्रांड का हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोगन बादाम शिरीन हब दर्द का। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास कैस्टर ऑयल अवेलेबल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप या तो बादाम रोगन तेल इस्तेमाल कीजिए या फिर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। दोनों में से एक ऑयल का इस्तेमाल करना है, दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं करना है। अब सबसे पहले आप अपनी कॉटन बॉल को इस रॉ मिल्क में डिप कर लीजिए अच्छे से और इसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए, निचोड़ लीजिए। उसके बाद अपनी आइज़ को सबसे पहले क्लीन करिए और जहाँ भी आपको डैंड्रफ है आइज़ पर उसे क्लीन कर लीजिए ऐसे, कुछ इस तरह से। और एक चीज़ का ध्यान रखिए गाइस कि आप जब भी इस प्रोसेस को करें तो आपकी आइज़ पर कोई भी किसी भी तरह का मेकअप ना लगा हो। अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लीजिए, आपके हैंड्स एकदम क्लीन होने चाहिए। तो ये देखिए, ये देखिए, मैंने इसे साफ कर लिया है अपनी आइज़ को अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ईयरबड, बिल्कुल क्लीन ईयरबड ले लीजिए और इसी बादाम रोगन तेल में हमें डिप करना है कुछ इस तरह से। और जहाँ भी आपको आईज़ पर आपकी डैंड्रफ है, काफ़ी लोगों को आईब्रोज़ पर भी होती है डैंड्रफ और काफ़ी लोगों को आईलैशेस पर भी होती है, तो आपको जहाँ पर भी दोनों पार्ट पर है तो आप दोनों पार्ट पर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो मस्कारा का जो एप्लीकेटर होता है उसे भी आप अच्छे से क्लीन करके उससे भी आप ये ऑयल लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ईयरबड से लगा रही हूँ। जो भी आपको सही लगता है आप उससे लगा लीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा गाइस कि जब भी आप इस ऑयल को लगाएं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी आइज़ के अंदर ऑयल नहीं जाना चाहिए। बहुत ही केयरफुली करना है आपने इस DIY को जब भी आप करें। तो आपने देखा कि गाइस कितना इजीली हम अपनी आई डैंड्रफ को दूर कर सकते हैं और इस DIY को आप वीक में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आई डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इसे एक दिन छोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे वीक में 3 से 4 बार अप्लाई ज़रूर कीजिए और इससे आपको आई एम श्योर कि आपको जल्दी ही निजात मिल जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। और आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।